हाय वेलकम टू मै गाइस देखिएगा तो मेरा ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे रखा हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज आप लोगों को मेरा ये घर का दीवार कुछ अलग अलग जैसा लग रहा होगा ना। एक्चुअली मैं लास्ट टाइम मेघालय से दोस्त लोगों का साथ आने घूमने के बाद वापस आके घर शिफ्ट कर लिया था। मैंने अपना घर चेंज कर लिया अपना कजिन ब्रदर का साथ। एक्चुअली हम लोग गालों में वो मामा होते हैं, जैसे मामा का बेटा ना वो मामा होता है लगता है, लेकिन एक्चुअली आप लोगों का नज़र में तो वो मेरा ब्रदर कजिन ब्रदर ही है। हम दोनों साथ में, एक्चुअली वो पीजी में बैठा था तो पीजी का खाना पानी उसको पसंद नहीं था, और ऊपर से गुवाहाटी में थोड़ा सा तो फ्लोर में गर्म भी है ना। तो हम दोनों ने मेरा लास्ट वाला रूम को मैंने छोड़ दिया, उसके बाद हम दोनों ने एक नया घर में शिफ्ट कर लिया यहाँ पे। तो आज मैं आप लोगों को मेरा छोटा सा, हम दोनों का छोटा सा घर को दिखाएगा। तो मेरा रूम कुछ ऐसा दिखता है, वहाँ पे मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल रखा। और मेरा ये रूम में मैं ज़्यादा ये रूम को मैं स्टफी बनाना नहीं चाहता था, मतलब ज़्यादा बस मुझे यहाँ पे अपना स्टडी टेबल और बेड चाहिए था, और जितना मेरा सामान था वो मैं बाहर रखूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा रूम जो था वो मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट था, तो रूम बड़ा करके था, तो इसीलिए सब सामान मेरा रूम में हो जाता। लेकिन ये रूम जो थोड़ा सा वो है, छोटा करके है, लेकिन छोटा होने से भी ठीक है। मतलब एग्जैक्ट ये रूम जो आप साफ से भी बेच सकते हैं ना, मतलब ज़्यादा सामान होने से रूम बहुत गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा नहीं रखा सामान। और यहाँ पे मेरा बस ये कबर्ड को रखा कपड़ा, और उसके बाद बेड यहाँ पे, उसके बाद स्टडी टेबल, और मेरा यहाँ पे मेरा ड्रेसिंग टेबल रखा है। और वो ऑर्किड मैंने खरीदा था ना लास्ट टाइम, मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम मेरा ब्लॉग में कहाँ से ये ऑर्किड लिया, और ये बेबी स्प्रेड वाला। तो मेरा ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे रखा, उसके बाद से बस स्टडी टेबल, और यहाँ पे मेरा बेड। और ये जो हम लोग जाओ की गया था तब ओनम हम लोग साथ में गया था, तो वो एक फोटो था उसको उसका बहन बना के मेरा बर्थडे में गिफ्ट किया था ओनम जो। उसके बाद ये वाला ड्रीम कैचर जो फिर प्रसुजा दिया था मुझे, वो हिमाचल से ला दिया था मनाली से। तो ये वाला कैसे भी रखा है, कुछ ज़्यादा नहीं। और ये तो मेरा क्रिसमस में जब मैं लिया था वो समय का है। तो बाद यहाँ से निकलने से, मेरा रूम से निकालने से, मेरा कजिन ब्रदर का रूम यहाँ पे है, उसका रूम मैं नहीं दिखा दूंगी। क्या अलाउड है? Yes. उसका रूम बहुत बड़ा है, लेकिन उसका रूम बड़ा है मेरा से, मेरा रूम छोटा है उसका कंपेयर में, लेकिन उसका रूम वो वहाँ पे है। तो अभी वो भी यहाँ पे कोर्स कर रहा है, हम दोनों साथ में रहने वाले हैं, मेरा भाई हम दोनों। और यहाँ पे है एक हॉल छोटा सा, और हम दोनों का किचन अभी अच्छे से हम दोनों सेटल नहीं हुआ है एक्चुअली ना, बहुत सारा चीजें करना बाकी है। तो अभी ये सब यहाँ पे किचन, और उस दिन मैं मेघालय से ये खरीदूंगी लास्ट रिचार्ज में बोला था ना, ये वाला इसमें बहुत पीसने के लिए अच्छा है। तो अभी हम दोनों खाना सब्जी भी नहीं बनाया है। तो ये छोटा सा किचन यहाँ पे है, छोटा सा किचन हम दोनों का। उसके बाद यहाँ पे हम दोनों ये भी अच्छे से सेटिंग नहीं किया, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम का रूम बहुत बड़ा था ना, तो अभी ये रूम गया ना, तो ये रूम में मेरा कुछ कुछ सामान नहीं रखा हुआ है ये सबको, अभी तक सेटल नहीं हुआ है। यहाँ से एक्चुअली मैं बाहर से दिखाती हूँ, वो वहाँ से हम लोग का घर एंटर होता है, ये वाला मेरा रूम गद्दा सा है। अभी अच्छे से जो भी हो धीरे धीरे करके हम दोनों करेंगे, अभी बस रूम में आया ही हम दोनों सेट, मतलब सामान उसका। और यहाँ पे मैंने तो दिखा चुका है ना, यही है हम दोनों का रूम। तो मैं अपना मेरा कजिन ब्रदर को, मेरा एक्चुअली मामा को, छोटा मामा को मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ अपना ब्लॉग में। तो अभी अभी फिर से फुटबॉल खेल के आए, फिर से बोलो तो अपना। हाय वेलकम टू मै हाय वेलकम टू मै वेलकम टू मै कजन सिस्टर ब्लॉग
सबको हाय अच्छे से। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। मेरा कजन सिस्टर का मेरा कजन सिस्टर का ब्लॉग ये बेटी है हम लोग गालों में बोलने से, लेकिन हम लोग का गालों में बोलने से ये मेरा मामा हो गया, मामा का बेटा हमसे छोटा होने से भी मेरा मामा ही होता है। लेकिन फिर आप लोग दूसरा के लिए ये सब कजिन ब्रदर है, लेकिन हम लोग का गालो ट्राइब में होता है कि मामा का जितना भी हमसे छोटा से बच्चा में से भी मेरा मामा ही होगा, ऐसा ना छोटा मामा ही होगा। ये मेरा भाई है आप लोग का नजर में, लेकिन मेरे लिए हम लोग गालो कम्युनिटी में इसको मामा इतना टॉल है देखो तो इसको कहना है तो पकड़ना पड़े मुझे हाय मैं सोचेगा अभी कंफर्टेबल धीरे मेरा ब्लॉग इसका नाम खाली लगो है। तो अभी किचन में मैं ले जाती हूँ, हम दोनों का काम कैसे हो रहा है आपको दिखाती हूँ आप लोगों को सबको। और मेरा कजिन ब्रदर जो खाना को बिठाया और मैं सब्जी को बना रही हूँ। खाना कजिन ब्रदर बिठाया था एक्चुअली, उसके बाद ये सब्जी जो ना हम लोग का ओइक बोलते हैं, हम लोग ये ओइक है ओलाप ओइक मिक्स और ये बेम्बू शूट और यहाँ पे अंदर भी मैंने सीधा वो किया है। मम्मी उस दिन भेजा था लेकिन मेघालय से आने के बाद, और मेरा फोन में इतना ज्यादा क्लिप्स था तो मेरा फोन में स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मम्मी बहुत ज्यादा अरुणाचल से प्यार भेजा था मुझे। तो यहाँ पे ओइक है और लाप ओइक सब मरसा ऑन्योर वो होता है हम लोग का ग्रीन वेजिस जो जो पहाड़ खेती में होते हैं ना वहाँ का सब्जी है ये जो पत्ता वाला मिचिंगा पत्ता सब मिक्स किया है इसको, अभी ये पक जाएगा। और यहाँ पे मैं चिली रोस्ट कर रही हूँ और छोटा मामा जो यहाँ पे वो कर रहा है लंबा है उतारा होते हैं ना छोटा मामा जो यहाँ पे जिंजर को वो कर रहा है ग्राइंड कर रहे आई मीन और अंडा का जो रक्त तक के बोलते हैं ना अंडा और चिली और बस अंडा चिली और वो है क्या होता है जिंजर का चटनी। ये हम लोग का मम्मी का मामा लोग का ट्राइब लोग बहुत ज्यादा खाता है एक्चुअली, हम लोग का गालो लोग खाता है लेकिन इतना नहीं, लेकिन वो लोग का ट्राइब ज्यादा खाता है लगता है हमको, इतना तो मालूम नहीं लेकिन ऐसा सुनते हैं रकपुता के बोल के आदि लोग बहुत खाते हैं आदि लोग। हाँ तो इसलिए उसमें वो नहीं पीसना था वो वाला ज्यादा अच्छा था वो ना नहीं वो नहीं उड़ते वहां से ना। तो यहाँ पे अंडा उड़े भी बॉइल करके रखा है, ये अंदर में है तो अभी निकाल देगा अंडा को कितना हो जाएगा गाइस देखिएगा ये देखे तो नहीं दे रहा होगा बस ये पट्टा सब्जी चटनी वो सब से खाएगा आज मामा, बहुत सिंपल से खाएगा चटनी क्योंकि टाइम भी हम दोनों के पास नहीं है एक्चुअली। मेरा भी अभी ये ऑनलाइन क्लास है अटेंड करने के लिए और मामा भी कहीं निकल रहे हैं। तो एक्चुअली हम लोग कल बहुत धमाकेदार एक प्लान है तो उसमें हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आप लोग मेरा नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखिएगा, उसमें हम लोग देखिए कि कल हम लोग क्या करने वाले हैं। तो कल फिशिंग वो सब करके हम लोग को दिखाएंगे कहीं पे जाके। अंडा हो गया मामा का, अंडा हो गया अभी अंडा को या मैं वो जो चिल्ली जो वो किया था ना इसका अभी अंडा को डाल के चिल्ली और जिंजर था ना तो उसमें अभी अंडा को बस ऐड करना है वो करता है अंडा और वो चटनी और खाना और राइस समय ही नहीं है ना दोनों के पास, समय होने से
दोनों वो कर सकला था। अच्छा भी कोई बात नहीं, हम लोग कल बहुत बड़ा प्लान है ना। हम बहुत दिन से हम उसको रुक रहा था ना। रोस्टिंग वास्टिंग करेंगे। अरुणाचल में नदी का किनारे देखते हैं ना, इतना मजा लगता था। यहाँ में नदी भी नहीं है। तो कल हम जा रहे हैं ना। वही बहुत बढ़िया लगा। टेस्टी है तो मामा। टेस्टी है। ये जो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ना, ये बेम्बू शूट। आपका तो हर दिन खाना टेस्टी लगता है। एक्चुअली बनाता कौन है? सब्जी। मैं आप ही बनाता है। बहुत टेस्टी बनाता है। मेरा मामा भी लेकिन बहुत टेस्टी बनाते थे। और पीजी में लेके तो इतना तकलीफ था ना, खाना भी अच्छा नहीं था। बहुत सेटिस्फाई नहीं होगा ना। हम इसलिए जिंदगी में पीजी नहीं बैठा क्योंकि हम नहीं सकेगा खाना पीना को। तो अभी मैं शायद से ग्रोसरीज खरीदने जाऊंगी क्योंकि जब से ये नया घर को यहाँ पे हम लोग मूव कर लिया उसके बाद से तो गया ही नहीं ग्रोसरीज, वो सब सामान लिया ही नहीं जो मम्मी भेजा था, और जो ऑलरेडी था उसी को ही हम लोग वो करके बैठ रहा था। तो अभी मैं जाऊंगी ग्रोसरीज लेने। ये मेरा बहन तोगी जो मुझे गिफ्ट किया था, तो अभी मैं निकल रही हूँ। मेरा स्कूटी को यहाँ पे पार्क करके रखा है, स्कूटी पार्किंग यहाँ पे रखा है। ये है मेरा स्कूटी, इसके बाद निकलना होगा अभी। अभी कजिन ब्रदर हम दोनों, मेरा छोटा मामा, हम दोनों वो करेगा बेलतोला मार्केट जा रहे ना। देखो ना इतना, हम आज फर्स्ट टाइम देख रहे थे झूल पीने, हम दोनों डिस्टर्ब कर रहे थे। মাছ পিঠা গুড়ি খাব পারে, আমি মাছ পিঠা গুড়ি খাও, গাহরি দিও খাও, মানে এইটো কি আছে, পকৰি দি বনাব খাব পাৰি। আরে আপোনাৰ জি আরে আমি কিতা তো এনেকা কৰিছিলে মাছ বনাতে, মালা এনেকা বনাইছিলে কাই বুলি দেখো না, ইয়েলো ওয়ালা চিড়ি আমি ফার্স্ট টাইম দেখ রাম, নেই দেখে কবি ইয়েলো চিড়ি, ওই আমি নেই দেখে। हाँ गुड मॉर्निंग, हम लोग बेलतोला बाजार में है। यहाँ में लोकल सब्जी लोग बहुत अच्छे से मिलते हैं, आप लोग कभी दिन आइए और जो सब्जी खाने मन है यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारा वेजिटेबल्स हैं यहाँ में।
देखो मेरा हाथ से ज्यादा भरा है एक मिनट। दीदी जो बीच में दे दिया। वाओ ना। भगवान ब्लेस कर रहे हैं। वही तो आज का ब्लॉग इतना तक ही था। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कमेंट्स और मेरा ना एनालिटिक्स में देखा था कि 80% जो मेरा अनसब्सक्राइबर लोग ही मेरा वीडियो को देखते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर देना।